हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में टोटल 8 तरह के लोब्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रेन में टोटल 8 लोब्स होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। उसी प्रकार ये 8 तरह के लोब्स इन्हीं 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर में 4 लोब्स, राइट हेमिस्फीयर में 4 लोब्स, ऐसे मिलाकर टोटल 8 तरह के लोब्स होते हैं। कमाल की बात है कि हर लोब की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इन सभी लोब को हम जिन नामों से जानते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे टेम्परल लोब, ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ये अलग अलग तरह के लोब्स हैं। हमारे ब्रेन के थ्रू जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है, उन सभी के पीछे यही लोब्स रेस्पॉन्सिबल है। अब यहां 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, हमारा लोब कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, या यूं कहा जाए कि हम कौन सा डोमिनेटिंग ब्रेन लोब लेकर पैदा हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन सभी ब्रेन लोब्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये दोनों बातों के विषय में आपको जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।